मैंने कहा यार मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कैसे पैसे कमा सकता हूँ। तो फिर मैंने मेरी मुझे ड्राइंग आती थी क्योंकि वालिद साहब आर्टिस्ट थे, पेंटर थे। तो मैंने अपना ईजल उठाया और मैं पीसी होटल चला गया। और इत्तेफाक देखिए कैसा ज़िंदगी में कैसी चीज़ें होती हैं कि उस दिन वो वहाँ पे जो जनरल मैनेजर थे कासिम जाफरी साहब, उनका आखिरी दिन था। तो मैं उनके पास गया और मैंने कहा सर मुझे कोई कोना दे दीजिए, मैं तस्वीर बना के कुछ कमा लूँगा। तो उन्होंने मुझे वहाँ पे एक कोना दिया और वहाँ पे मैंने पहले दिन 3 तस्वीरें बनाई 500 रुपये की एक और 1500 रुपये कमा ली। और पहले महीने 30,000 रुपये कमा के मैं घर को दिए। मैंने कहा चले आप वापस चलते हैं अपने घर। मैं इस पे कहना चाहूंगा 3 चीजें जो सबसे पहली अली भाई ने स्टार्ट किया घर की स्टोरी से कि आपने हर चीज से सीखना है। पहला विजन, लाइफ में विजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने उनका विजन था तो उन्होंने घर वालों से कहा कि आप बताएं कितने हमें पैसे चाहिए होंगे, विजन। दूसरी चीज जनरल मैनेजर की, हम हमेशा जाते हुए कोई अच्छा काम कर देती है, वो जा रहे थे तो वो ये करके, हमेशा जब जाने का डर ना हो तब भी कोई अच्छा काम कर दो। बाकी तीसरी बात जिससे बाद में मैं गाने में जाना चाहूंगा, 92 में अगर अंकल ने वो प्लॉट ना बेचा होता तो कल आज अपनी सोसाइटी का आर्ट लेता। जी वेलकम बैक टू ईद का समा। मैं दिल से कसम से इतना मिस किया आप लोगों को। अगली ब्रेक मैंने चैलेंज से लड़ाई की, इतनी लंबी लेनी नहीं, जो मर्जी हो जाए। अली भाई आप भी हमेशा विजिबल रहे हैं और एक और भी सिंगर है जिन्होंने 2000 कॉन्सर्ट्स किए, पता नहीं मुझे, आई डोंट नो आपने कितने कॉन्सर्ट्स किए, उनके ऑनलाइन थे और रिसेंटली भी वो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल थे, एंड वी लव यू चाहत फतेह अली खान सर। उन्होंने एक वीडियो बनाई, नहीं उन्होंने वीडियो में जो कि मैंने सुना है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आपको इनवाइट किया बर्तानिया कलेबरेशन करने के लिए। इज दिस एंटरटेनिंग? आई असल में मैंने बहुत बड़े बड़े सिंगर्स को सुना है और जब आप उनको सुन के गाने की कोशिश की है तो ऐसा लगता है कि कई दफा कोई 1-2% तक उनको मैं गा पाता हूँ बड़े सिंगर्स को, लेकिन ये ऐसे सिंगर है कि मैं इनके 0.1 पे भी नहीं पहुंच सका। आपने मुश्किल में डाल दिया अली भाई को। एक दफा मैंने देखा तो उन्होंने मुझे, लेकिन उनका प्यार है, उन्होंने इनवाइट किया, अली साहब वेलकम टू लंदन, कभी भाभी को लेके आइए, तुनक दूसरा कर गिफ्ट। वो बड़े मजे के आदमी है। देखिए जो आदमी दो लोगों को हंसा सके ना, तो ये भी उसकी देन है। एब्सोल्युटली हंसा भी सके, एंड जिस आदमी में वो करेज है टू डू समथिंग डिफरेंट रिगार्डलेस ऑफ वेदर दुनिया क्या कहती है। बिल्कुल। तो आए चाहत साहब के लिए भी तालियां। चाहत साहब वी एक्चुअली वी लव यू, वी लव यू, आएंगे हम लंदन, मेरा चक्कर लग रहा है, तो इंशाल्लाह ताडे नाल रोटी जी लेके प्यार के साथ रोटी खाएंगे आपके साथ। अली भाई ईद का समा है जिसमें आप हैं और मैं हूं और ऑडियंस है, लेकिन ईद जितने लोग ईद में हो उतना मजा आता। तो हमारे साथ एक गेस्ट भी है जिनको मैं भी बुलाना चाहूंगा इस शो पे कि वो हमारे साथ आए, हमारे साथ ईद मिले। बहुत ही टैलेंटेड है, जिस स्क्रिप्ट में वो हाथ डालती हैं वो स्क्रिप्ट की जान दुबाला हो जाती है। शी इज अ राइटर, शी इज एन एक्टर, शी इज अ मॉडल, एंड शी इज फुल ऑफ एनर्जी, एंड शी इज अ डायरेक्टर ऑल्सो। तो मैं आप सबकी भरपूर तालियों में उस शख्स को बुलाना चाहूंगा जिसने, मैं आपको बताता चलूं, मैंने अपनी पहली मूवी भी उनके साथ की और जो मेरी पहली मूवी में मेरा कैरेक्टर था उस कैरेक्टर के लिए मेरी रिकमेंडेशन भी उनकी तरफ से आई। आपकी भरपूर तालियों में अमर खान। आए इधर, इमिग्रेशन इधर से क्रॉस करके। अच्छा मैं उधर आ गया, बिल्कुल ठीक। एक दफा फिर तालियां अमर खान के लिए। मैं कहता हूँ माशाल्लाह पूरे रमजान में पूरे पाकिस्तान को एंटरटेन करती रही हैं, पूरे पाकिस्तान में लोग अमर खान तो नहीं हीर हीर कहते रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत हिट इनका ड्रामा था। तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि तुसी हीर दे स्टाइल च साडी जड़ी आवाम है उन्होंने ईद मुबारक। मैं ताडे लिए एक शेर बोलांगी सब तो पहले, हीर दे स्टाइल है ए जड़ा एना जेल ला के तुसी वाल इत्थे खिलारे होए ने ओदे ते शेर होएगा। अच्छा जी दसो। तो मोमिन साकिब तेरे पफ की क्या तारीफ करूं, तेरे तेरे पफ पे बैठी जू,
तेरे पफ की क्या तारीफ करूं, तेरे पफ पे बैठी जू, तेरे जू की क्या तारीफ करूं, तेरा मोमिन साकिब जैसा मुंह। अमर कर दिया शेर, अमर कर दिया शेर, अमर कर दिया शेर यार। लेकिन मैं कहता हूँ लोगों ने, पीपल हैव फॉलन इन लव विद योर कैरेक्टर ही, अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ जाए छोटा बच्चा बड़ा बुजुर्ग सब कहने की यार की करता है। और बाय द वे वो कैरेक्टर लिखा भी इन्होंने, कैरेक्टर क्या पूरा ड्रामा ही इन्होंने लिखा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं फिर कहूंगा हीरदे स्टाइल से, हीरदे स्टाइल से जरा विश्ते करो ना, ईद मुबारक। हीर होंदी ते किवें कहंदी ईद, हीर जट दे वल्लो पूरे पाकिस्तान नु दिल दी वावा तरीन गहराइयां तो बहुत बहुत दिली ईद मुबारक। है वीरा गाइस, क्या बात है। इससे पहले मैं आपसे अभी एक सवाल पूछूंगा, फिर आप अली भाई से कोई सवाल पूछना। डन। ऐ हो ना पा फैमिली, ये आपस जी अपना ही शो करना है। डानी ईद पे मैंने अपनी पहली मूवी इनके साथ की थी, दम मस्तम। अच्छा, तो ईद पे जब मूवी रिलीज हो जी तो कैसा फील होता है, ईद कैसी गुजरती है? बस तुसी जमीना ते टाकियां मारते हो, गालिश ताड़े जड़ा है, कोई पटा बनिया होंदा है, लगदा है लमिया उत्ते खिचन लिए आवाज मार रहे ने, कुछ समझ नहीं आ रहा होंदा। बॉक्स ऑफिस पे एक बहुत तगड़ा कॉम्पिटिशन चल रहा होता है और बड़ा प्रेशर होता है यार, बहुत प्रेशर होता है। हमारे मुल्क में फिल्म बनती नहीं है, तो जब बनती हैं तो लोग जरा नफसा नफसी में एक दूसरे को काटने को भी बहुत दौड़ते हैं। एंड वी स्टिल नॉट ग्रोन एज अ फिल्म इंडस्ट्री, सो इट्स वेरी टफ, स्पेशली मेकिंग अ फिल्म इन पाकिस्तान। फर्स्ट यू नो इट बेटर, क्योंकि आपने भी एक बेहतरीन फिल्म पाकिस्तान को दी थी, फाइन ट्रबल। तो जो फिल्में बनाते हैं वो एक्चुअली फिल्म मेकर्स नहीं, वो सोल्जर्स हैं, वो वॉरियर्स हैं। हाय 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 हाय, और नॉवल लिखता, पूरी किताब लिखती है, ऐवी तो नहीं माशाल्लाह। मैं कहता जी अली भाई, इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि जो खवातीन फिल्में बनाती हैं वो ज्यादा बड़ी सोल्जर्स हैं, आप जैसी। हाय हाय हाय, अली भाई ने आप बड़ा छक्का मारा है। हमारे यहाँ पे खवातीन को हर काम करने से पहले बहुत सी लेयर्स ऑफ सोशल रेजिस्टेंस से गुजरना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा, एंड द फैक्ट दैट यू गाइस deal with all of that and Bilkul. still deliver. Bilkul. I think hats off to you. Oxford University ki puri speech shuru kar di. Ummi tum zara ho ke aao. फिल्मों की बातें कर रहे हैं, हम फिल्मों की बातें कर ले। नहीं, लेकिन अमर जी आपने अली भाई के गाने तो सुने ही होंगे। जी जी बिल्कुल, और अली भाई की आवाज आपको पता है, जब अली भाई गाते हैं आगे से कहती नहीं मेरे तो नहीं। आप कोई ख्वाहिश करना चाहेंगे इनसे किसी गाने की? मेरा एक्चुअली एक बहुत फेवरेट गाना जो आपके पहले गानों में से एक था, जुगनुओं से भर ले आंचल। अच्छा, सो अगर वो हो जाए, क्यों ऑडियंस, बिल्कुल हो सकता है। और एक्चुअली ये गाना जो था मेरी जिंदगी की पहली रिकॉर्डिंग थी। वाओ, बारी स्टूडियो हुआ करता था मून मार्केट में। जी बिल्कुल। और बुजहात अतरे साहब इसके कंपोजर थे, अकील रूबी साहब इसके शायर थे, और समीना पीरज़ादा जी की ये फिल्म थी। और बड़ी मुश्किल से मैंने वो गाना स्टूडियो में रिकॉर्ड किया, लेकिन वो लोगों को बड़ा पसंद आया, सो उसकी भी बड़ी कहानी है। लेकिन वो अच्छा खूबसूरत गाना है। अकील रूबी साहब और बजात अत्रे साहब दोनों अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनको आज याद करते हुए उनके लिए गाना के नाम है।